सभी का बहुत बहुत स्वागत है संडे के सुपर संडे के मैसिव अपडेट। आज का बड़ा अपडेट है, बहुत सारे चेंजेस हैं। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक, शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले चलेंगे डाटा अपना क्लियर कर लेंगे, एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक, डाटा क्लियर कर दिया, अब रिफ्रेश करेंगे। फर्स्ट टाइम डाटा क्लियर करके रिफ्रेश करेंगे पेज, तो लोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, 1-2 मिनट तक भी ले सकता है। इंतज़ार करें, ये ज़रूर लोड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये कुछ डाउनलोड्स कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में फास्टर रेंडरिंग कर पाएँ। ठीक, हमारा डाटा लोड हो गया, साइट खुल गया है। फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको डिस्क्लेमर दिखेगा, उसको एक्सेप्ट करना है। चलिए एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद पहला चेंजेस, जो पहला मेजर चेंजेस आप देखेंगे, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पूरा तरह से रीडिजाइंड है, नया बिल्कुल। इसमें थोड़ा AOC के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद क्विक लिंक्स जो हमारे थे वो हैं, उसके बाद थोड़ा स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, राइट। उसके बाद अबाउट अस का सेक्शन है, नया है। उसके बाद टीम के बारे में, मेरे बारे में है। उसके बाद से बाकी हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, एडमिन हैं, टेलीग्राम के जो सीखते हैं साथ में ट्रेड करते हैं, उनके नाम से यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक, उसके बाद नीचे रिव्यू का सेक्शन है। रिव्यू के लिए आपको लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक, एक बार रिव्यू कर सकते हैं, बाद में रिव्यू एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अभी के लिए यहाँ पे रिव्यू लॉगिन कर लेंगे, तो अगर रिव्यू नहीं किया होंगे तो राइट रिव्यू करके ऑप्शन मिलेगा। ठीक, ज़रूर रिव्यू कीजिएगा अगर AOC यूज़ कर रहे हैं। जैसा लग रहा है, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है, ज़रूर दीजिए, उससे हमें और इसको इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। ठीक, नीचे डिस्क्लेमर है। उसके बाद अगला मेजर चेंजेस है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में अगर यहाँ जाएं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कुछ इनेबल की गई हैं। जैसे डार्क मोड डिफ़ॉल्ट में इनेबल रहेगा, आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक, अगला, उसके बाद अगला एक है स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं, डिसेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मोबाइल में है या इवन लैपटॉप पे ही है, इसको इनेबल कर देंगे तो आपका स्क्रीन लॉक नहीं होगा, स्क्रीन ब्लैकआउट नहीं होगा, ये AOC चलता रहेगा। ठीक, लोगों का रिक्वेस्ट था कि ये एक ऑप्शन डालिए ताकि हमको बार बार स्क्रीन लॉक अनलॉक करना ना पड़े। तो इसको अगर कर लिए आप तो स्क्रीन लॉक नहीं होगा, स्क्रीन आपका ओपन रहेगा, आप AOC को अनइंटरप्टेड यूज कर पाएंगे। ठीक, दूसरा फ्यूचर प्राइस का है। उसके बाद नंबर्स का है, रिवर्स टेबल का है। रिवर्स टेबल अब डिफॉल्ट में इनेबल रहेगा। ठीक, ये क्या होता है थोड़ी देर में जानेंगे, रिवर्स टेबल क्या होता है। ओके, उसके बाद नंबर प्रीफर करना है या परसेंटेज करना है वो यहाँ से कर सकते हैं, और लॉट्स में देखना है या नंबर्स में देखना है, ये आप यहाँ से डिसेबल इनेबल कर। चलिए अब एक एक करके, डार्क मोड थीम है टोटली। ठीक, लाइट या डार्क मोड आपको क्या करना है, आप जो चाहें वो उसको इनेबल कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंसेस है। एक बार इनेबल कर लिया वो नेक्स्ट टाइम यही रहेगा। ठीक, उसके बाद स्क्रीन, इसको इनेबल कर लिया, स्क्रीन लॉक नहीं होंगे, स्क्रीन सेवर नहीं आएंगे, लैपटॉप पे मोबाइल पे ऑफ नहीं होगा स्क्रीन। ठीक, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप चाहें तो इसको इनेबल रखें, डिसेबल रखें। ठीक, उसके बाद फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस क्या होता है, अगर आपने इनेबल कर दिया तो आप हर ऑप्शन चेन के टेबल के जो भी डाटा हैं वो फ्यूचर प्राइस में दिखेंगे। ठीक, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि क्रूड ऑयल में हमेशा फ्यूचर्स के ही दिखते हैं, बिकॉज स्पॉट्स का चार्ट नहीं मिलता हमको वहाँ पे। तो MCX के जितने भी हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, इनके फ्यूचर प्राइस बाई डिफॉल्ट ही शो होते हैं, उसमें स्पॉट नहीं दिखता है। बाकी सभी का निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के स्पॉट प्राइस दिखते हैं, उसमें ही बेस्ट काम करता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर के चार्ट में लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं, वहाँ ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर्स के प्राइस में कर सकते हैं। अगर आपने इनेबल कर दिया तो कैलकुलेशन सारे, जो हमारे एक्सटेंशंस हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सारे कैलकुलेट होंगे फ्यूचर प्राइस। ठीक, अभी के लिए मैं फ्यूचर प्राइस में डील नहीं करता, इसलिए मैं रख दूंगा। मैं लैपटॉप पे देने लिए यूज़ करता हूँ तो मुझे स्क्रीन वैसे भी मेरे ऑन रहते हैं। ठीक, डार्क मोड मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन वीडियो के लिए मैं लाइट मोड यूज़ करता हूँ, बिकॉज ये देखने में थोड़ा आसानी रहती है। ठीक, उसके बाद नंबर्स हैं। नंबर्स क्या करता है, नंबर्स, चलिए इसको देखने के लिए क्या करेंगे ना, नंबर्स क्या करता है पहले वो जान लेते हैं। नंबर्स में अगर कर दिया तो आपको नंबर्स में दिखेगा मिलियन बिलियन, जो KM आता है ना वो नहीं आएगा, टोटल नंबर्स में आएंगे, कॉमा करके नंबर्स आएंगे। रिवर्स टेबल का क्या होता है, जनरली आप अगर ऑप्शन चेन देखते हो तो ऊपर से नीचे क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस घटती है, होनी चाहिए, लेकिन क्या होती है यहाँ पे बढ़ती है। बाकी सभी की ऑप्शन चेन में क्या होती है कि यहाँ पे 500 है तो यहाँ पे 400 होगा, यहाँ 400 है तो यहाँ 500 होगा, लेकिन हम जब रिवर्स कर देते हैं तो ऊपर 500 नीचे 400 हो जाता है। ठीक, ये अगर आप इसको इनेबल करके सीखना शुरू करें तो बेहतर है, बिकॉज ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। सपोर्ट नीचे की तरफ होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये इनेबल कर देंगे तो आपको दिखेगा, नेचुरल दिखेगा। ठीक, उसके बाद प्रेफर नंबर्स हैं। जैसे हमारे में क्या होता है कि वॉल्यूम की नंबर्स हो गई, नंबर्स आ गई, ठीक, उसके नीचे परसेंटेज रहता है। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो परसेंटेज ऊपर रह जाएगा, परसेंटेज ऊपर बड़ा में रहेगा और नंबर्स नीचे रहेंगे।
प्रीफेयर हमको क्या करना चाहिए, परसेंटेज देखना। परसेंटेज देखेंगे तो नंबर के झंझट से दूर रहेंगे। और लॉट्स, अगर लॉट्स में देखना है तो लॉट्स इनेबल कर लीजिए। ठीक, चलिए अब मेरा पर्सनल जो सेटिंग मुझे पसंद आता है, रिवर्स टेबल एक है, नंबर से ज़्यादा मुझे परसेंटेज अच्छे लगते हैं वो मैं कर लूँगा, और डार्क मोड अच्छे लगते हैं, लेकिन डार्क मोड अब वीडियो पे बात करूंगा मैं। जनरली डार्क मोड में रखता हूँ खुद के यूज के लिए, वीडियो बनाने के लिए लाइट मोड में रखता हूँ। ओके चलिए ये हो गया, अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको लॉग इन साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज हमने डाटा क्लियर किया तो लॉग आउट हो गए हैं हम। और लॉग आउट आपको एवरी 24 आवर्स में एक बार करना पड़ेगा, 24 आवर्स में आपका सेशन एक्सपायर होता है तो दोबारा लॉग इन करेंगे। ठीक, उसके बाद से बाकी सारे फीचर सेम ही है। जो एक्सेसिबिलिटी में था कि ग्रीन कलर को मैं कुछ और कलर बना दूं तो वो ऐसे हो जाएगा, राइट। चलिए अब चलते हैं, अगर हम लोग एडवांस ऑप्शन चेन में जाएं तो वहां पे लॉगिन मांग रहा है मुझे। ठीक, लॉगिन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इधर ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए या गूगल से साइन इन कर लीजिए। चलिए अभी के लिए गूगल से साइन इन करते हैं। गूगल से मेरा लॉगिन हो गया है, देखना चाहेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, होम पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ लॉग आउट का आ रहा है, इसमें बाकी फंक्शनलिटी धीरे धीरे ऐड होगी। ठीक, लॉग इन करने के बाद ऑप्शन चेन में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे आराम से खुलेगा ये। ऑलराइट, अब चलिए दूसरा बैक टेस्टर में चलते हैं। बैक टेस्टर सेम एज इट इज, जैसे पहले था वैसे ही है। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट और टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक्स या इंडेक्स में देखना है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। वापस चलते हैं, अब सेटिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे अब सेटिंग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अभी मैं फ्यूचर अभी देखिए यहाँ पे 19,819.95 चल रहा है, ये स्पॉट का प्राइस है। अगर आपको प्राइस इसके और किसी और ब्रोकर या ट्रेडिंग में अलग दिख रहे हैं तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने सेटिंग में फ्यूचर प्राइस इनेबल किया। जैसे मैंने फ्यूचर इनेबल कर लिया, अब देखिए 19,874 दिखा रहा है मेरे को, फ्यूचर का डिफरेंट प्राइस चल रहा है। सिमिलरली अगर किसी और में चलें, फिर निफ्टी में चलते हैं तो 20,218 फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, जो फ्यूचर का प्राइस दिख रहा है। और स्पॉट का कितना चल रहा है, स्पॉट का अगर देखें तो ये 20,138 चल। ठीक, अगर आपको प्राइस का डिफरेंस दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपने फ्यूचर का इनेबल कर रखा है। ठीक, उसके बाद 100 नंबर्स करेंगे। 100 नंबर्स अगर करें तो देखिए यहाँ पे 29,11,000, यहाँ देखिए 29,11,560 आ रहा है। ठीक, अगर आपको ये देखने की आदत है, नंबर्स देखने की आदत है तो नंबर्स में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली क्या प्रीफर करता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ मिलियन बिलियन, बिकॉज हमको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है परसेंटेज देखना। और दूसरी सेटिंग्स, अगर रिवर्स टेबल को हम लोग डिसेबल करें तो अभी क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 20,100, उसके नीचे 20,150, 20,200, ऊपर से नीचे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ऊपर से नीचे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये उल्टा है, हर जगह ऐसे ही होता है। अगर आपको उसकी आदत है तो आप डेफिनेटली वो करें, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम इजी होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सपोर्ट 2000 ऊपर है और रेजिस्टेंस क्या है, 20,200 नीचे है, ये उल्टा होता है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। समझने के लिए, आसान बनाने के लिए रिवर्स टेबल का इनोवेटिव फीचर सिर्फ AOC में अवेलेबल है अभी के लिए। ठीक, रिवर्स टेबल को इनेबल कर देते हैं। अब प्रीफर परसेंटेज इनेबल है, इसको डिसेबल करें तो क्या होता है, देखिए उसको मैंने डिसेबल किया तो नंबर ऊपर आ गए, परसेंटेज नीचे आ गए, नंबर ऊपर परसेंटेज नीचे। हम लोग जितने भी एनालिसिस करते हैं इस परसेंटेज के बेसिस में करते हैं, नंबर पे उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए उनको क्या करना है, प्रीफर नंबर। लॉट्स में अगर करें, देखिए लॉट्स को मैंने डिसेबल कर दिया तो 79.3 मिलियन दिखा रहा है, क्योंकि इसका 40 का लॉट्स होता है। ठीक, और फिर लॉट्स इनेबल कर दिया तो अब क्या दिखा रहा है, 1.98 मिलियन दिखा रहा है। तो लॉट्स सारे सेटिंग्स कवर हो गए कैसे काम करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद नया फीचर ऑप्शन चेन में आया है, टीवी और LTP अब अलग अलग हो गए हैं। ठीक, OI चेन पहले से था, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से था, OI चेन पहले से था, टीवी अलग से, OI अलग से, टीवी अलग से और LTP अलग से, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। टीवी होता है टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या आप दिखा रहा है कि 6% टाइम वैल्यू इस साइड में है, मतलब 6% वेटेज इसका कॉल साइड में है और 94% पुट साइड में। एक्चुअली ये दोनों रिवर्स हैं। ठीक, टाइम वैल्यू दोनों रिवर्स हैं, टाइम वैल्यू पर डिटेल वीडियो आएगी, उसमें अभी भी काम चल रहा है। ठीक, उसके बाद LTP देखिए, LTP यहाँ पे दिखा रहा है 965, ये दिखा रहा है ना 965, ये जो LTP है ना, नियर मार्केट हम लोग लेते हैं, इसमें नियर मार्केट में जो ये चेंज हो रहा है ना, ये
आज का जो चेंज हो रहा है उसका सम है। कॉल साइड में 965, मतलब आज कॉल साइड में 965 प्रीमियम बढ़ी है, प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली पुट साइड में देखें आप लोग तो -137 रुपीज डिक्रीज हुई है प्रीमियम। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल साइड की प्रीमियम बढ़ेगी, मार्केट नीचे आएगा तो पुट साइड की प्रीमियम बढ़ेगी। अभी यहाँ क्या दिख रहा है, कॉल साइड की बढ़ी हुई है और पुट साइड की घटी हुई है, तो मार्केट ऊपर गया है, 177 पॉइंट्स ऊपर गया है, जिसके कारण से 965 प्रीमियम गेन किया है कॉल साइड ने और 137 प्रीमियम लूज किया है पुट साइड ने। ठीक, ये नियर मार्केट का है, जो सुबह सुबह हम लोग रेंज निकालते हैं ना उसका है। अब इस पे एक बढ़िया स्ट्रैटेजी बनती है, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में 625 कॉल साइड ने गेन किया है और 194 पुट साइड ने लूज किया है। ठीक, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको ग्राफ एक मिलेगा, ये ग्राफ दिखा रहा है। इसमें ग्राफ के क्या क्या कंपोनेंट्स है, देखिए ग्रीन में LTP चेंज ऑफ CE है, रेड में LTP चेंज ऑफ PE है, उसके बाद से एक डिसेबल्ड है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस है LTP CE - PE है, LTP चेंज ऑफ CE - LTP चेंज ऑफ PE है। ठीक, अभी हम दोनों रखते हैं। उसके अलावा एक और ऑरेंज लाइन को आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये हो सके आप एवरी टाइम रिफ्रेश करेंगे तो अलग अलग कलर दिखा सकता है, रैंडम कलर है इसमें। ठीक, ये क्या है कि जीरो लाइन है, बेस लाइन, जहाँ से दोनों ने शुरुआत की थी। ठीक, कल क्या हुआ वो खत्म हो गया, आज जहाँ से शुरुआत की वो जीरो से शुरुआत करेंगे दोनों। ठीक, उसके बाद देखिए कॉल साइड ने गेन करना शुरू किया, पुट साइड ने लूज करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, कॉल साइड ने लूज करना शुरू किया, पुट साइड ने गेन शुरू करना, लगभग दोनों जीरो लेवल पे बैलेंस पे आने के बाद फिर से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर गए। जब ये एक स्ट्रेटेजी है कि दोनों बेस लाइन के आसपास आए, ठीक, और वहां से कोई मूवमेंट दिखे तो वो वहां से डायरेक्शन चेंज की एक इंडिकेशन होती है कि अब कॉल साइड ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट कॉल साइड की तरफ जा रहा है। ठीक, पुट साइड नीचे आ रहा है, मतलब पुट साइड में गिरेगी, मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर आपको एंट्री मिलती है, एंट्री कैसे करना है वो भी बताते हैं। अब इसमें एंट्री करना बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक, एक ये हाई बनाया फिर इसको तोड़ दिया, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ये लो बनाया इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, ये लो बनाते आ रहा है। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पे लोअर लो बनाते जा रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे पुट में एंट्री ले सकते हैं। इनफैक्ट पुट में अगर देखें तो यहाँ फ्लैट चल रहा है। ठीक, उसको अच्छे से देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर पुट साइड में देख रहे हैं कि कॉल साइड अपना लो तोड़े जा रहा है, एक के बाद एक लो तोड़ रहा है, ये लो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे फिर लो बनाया, इसको तोड़ दिया, फिर यहाँ पे तोड़ दिया। ठीक, तो यहाँ से जब तक ये अपना हाई, जैसे ये हाई है ना, उसके बाद ये आया, एक हाई बनाया फिर इसको तोड़ दिया, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, इस एरिया में हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। फिर ये ऊपर निकला, ये हाई बनाया, एक हाई बनाया, इस हाई को तोड़ने पे या इस हाई के तोड़ने पे हम लोग कॉल में एंट्री कर सकते हैं। कॉल अब बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉल बढ़ रहा है, और अच्छा कन्फर्मेशन क्या मिलेगा, ये जीरो पे दोनों आसपास आने के बाद बढ़ रहे हैं तो अच्छी मूव की एक्सपेक्टेशन रहती है यहाँ से। ठीक, एक स्ट्रैटेजी है, इसको डिटेल में और एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस यही है कि अगर ग्रीन ऊपर जा रहा है, जैसे हमारे पूरे AOC में होता है, ग्रीन ऊपर जा रहा है तो हम लोग कॉल साइड में रहेंगे, अगर रेड ऊपर जा रहा है तो पुट साइड। ऑलराइट, चलिए, तो ये LTP चेंज का एक स्ट्रैटेजी हो गया। मेनली यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, यहाँ से भी मिल सकता है। आपको डायरेक्शन देखना है कि कौन सा LTP चेंज किस साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, और ये OI से भी पहले इंडिकेट करता है प्राइस मूव, क्योंकि प्राइस मूव एवरी 10 सेकेंड में हमारे आते हैं और OI क्या होती है, 3 मिनट में आती है। ठीक, तो ये 3 मिनट में आपको इंडिकेट करेगा, लेकिन LTP क्या करेगा, आपको 10 सेकेंड में ही बता देगा कहाँ जाने वाला है मार्केट। ऑलराइट, इसको लाइव मार्केट में भी हम लोग जब लाइव ट्रेड करेंगे, लाइव ट्रेड एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस, तो वहाँ पे भी देखेंगे आप। ठीक, चलिए, उसके अलावा टाइम वैल्यू में जो ग्राफ था पहले वो अभी भी है, टाइम वैल्यू पे कोई काम करते हैं तो वो अभी भी है, टाइम वैल्यू पे अभी चल रहा है। OI का, ये OI ओवरऑल मार्केट का है, इसमें भी एक चेंजेस आए हैं। अब ये तीनों लाइन एक ही स्केल पे एक्ट करते हैं, जो इधर आपको दिख रहा है ना, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, नॉर्मल रॉ वैल्यू नहीं है, जो नॉर्मल OI होती है, क्योंकि 72.1 ट्रिलियन है, मिलियन भी नहीं है। ठीक, इसमें भी क्या है, अगर ब्लू लाइन देखें तो सिंगल लाइन पे ब्लू ऊपर जा रही है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ब्लू नीचे आ रही है, मतलब मार्केट नीचे आएगा, और यहाँ पे मार्केट सिमिलरली क्या करेगा, रेड और ग्रीन में, रेड ऊपर, ग्रीन ऊपर जा रहा है तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, रेड ऊपर जा रहा है, रेड अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट को नीचे ले आएगा, मार्केट नीचे आएगा। ठीक,
तो इसमें भी रेड और ग्रीन में हम लोग का मेन है, क्योंकि रेड रेड क्या है, रेड क्या है सी का है, और ग्रीन क्या है पी का। पी की वाई चेन बढ़ेगी तो मार्केट बुलिश होगा, सी की वाई चेन बनेगी तो मार्केट बेरिश होगा। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसको बहुत यूज कर चुके हैं। ठीक, पीसीआर अगर देखना है, देखिए अगर आपको पीसीआर देखना है, इन तीनों को हटा दीजिए, इन इसको लगा दीजिए, ये आपको पीसीआर दिखा रहा है, और ये जो ग्रीन लाइन है वो जीरो लाइन। उसके बाद से बाकी और ग्राफ्स में भी चेंजेस आए हैं, सब में जीरो बेस लाइन एक ऐड किया गया है और रिफाइन की गई है, ग्राफ और क्लियर हो पाए ऐसा किया गया है बाकी सारे ग्राफ में। दूसरी चेंजेस क्या है कि अगर वॉल्यूम पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम की परसेंटेज दिखती थी, अब रिवर्सल प्राइस दिखाते हैं, और वो जो पहले वॉल्यूम का परसेंटेज था वो अब चला गया है ओआई पे। ओआई पे क्लिक करेंगे आपको परसेंटेज दिखेगा, होवर करेंगे तो आपको दिखाएगा कि वॉल्यूम का परसेंटेज क्या है, ओआई का परसेंटेज क्या है, जहां जहां देखेंगे वो दिखाएगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। ठीक, वॉल्यूम 100% है, ओआई 59% है, ओआई चेंज 31.8% है, कब तो 3:18:20। उसके बाद ओआई चेंज की ग्राफ पहले जैसी है, थोड़ा रिफाइन कर दिया गया है इसको, इसमें सी बिल्डअप पी बिल्डअप है। इसको भी कैसे देखना है उसके लिए यहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगी चीट शीट, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद एक हिडन फीचर है जो आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा, यहाँ पे देखिए तीन नए इंडिकेशन आए हैं, ये तीनों नए हैं। अभी इसमें डाटा नहीं है इसके कारण से नल दिखा रहा है, कल से डाटा आने लगेगा तो इसमें वैल्यूज आने लगेंगे। अब ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सी, टोटल वॉल्यूम ऑफ पी और वॉल्यूम का पीसीआर, यहाँ पे नंबर्स आएंगे और यहाँ पे पीसीआर आएगी। सिमिलरली ओआई की सी की ओआई, पी की ओआई और पीसीआर ऑफ ओआई। सिमिलरली ओआई चेंज की सी और पी की ओआई चेंज की टोटल नंबर्स और उसके बाद पीसीआर। ये टोटल क्या है, तो ये मार्केट का पूरे का है, पूरा मार्केट का है, 10 नीचे 10 ऊपर स्ट्राइक प्राइस के हैं ये सारे नंबर्स। ठीक, कल से इसमें वैल्यूज आने लगेंगे लाइव मार्केट में तो ये आपको दिखने लगेगा, ये नीचे है। ठीक, स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे डिवाइसेस में स्क्रॉल करना पड़ेगा, आईपैड में ये आपको दिखेगा, बाय डिफॉल्ट ही दिखेगा। आईपैड का थोड़ा ऐसा है कि उसमें आपको ये दिख जाएगा, पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में वो भी स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लॉग इन नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पहले कभी गूगल से साइन इन किया है, ठीक, सिर्फ गूगल से साइन इन किया है, ईमेल पासवर्ड से कभी साइन इन नहीं किया है, तो आपको गूगल वाले ईमेल आईडी को यूज करके फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में जाना है, इसको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, इसमें आपने जो पहले लॉग इन करने के लिए जो ईमेल आईडी डाला है उसको डालेंगे। ठीक, चलिए हम डाल लेते हैं। उसके बाद से सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ओटीपी आपको मिल गया है। आप देखिए एक बार, आपको ओटीपी देखना है आप, और ओटीपी और पासवर्ड डालना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको जो ओटीपी रिसीव हुआ है वो डालना है, यहाँ पे नया पासवर्ड डालना है और सेव पासवर्ड पे क्लिक करना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, आपको फिर से वापस लॉगिन में आना है, जब पासवर्ड चेंज कर लिया लॉगिन में आना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, साइन इन क्लिक करना है। ठीक, जब करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। नहीं, आप अगर देखिए, अगर आपने गूगल से साइन इन कभी नहीं किया है तो नए अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको नाम ईमेल और पासवर्ड रख के रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद से आपको फिर से लॉग इन करना है, सिंपल। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पे है, तो टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे है, टेलीग्राम ऑफिशियल, अगर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे टेलीग्राम ऑफिशियल है, वहाँ पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए या आप ईमेल कीजिए, इस पर क्लिक करेंगे हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपको मिलेगा और ईमेल क्लाइंट में खोलेगा, वहाँ पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं। और प्रॉब्लम बताने से पहले आप स्क्रीनशॉट या वीडियो, छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें, जिससे आसानी होगी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में। चलिए, तो आज का संडे अपडेट यही है, और भी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इंटरनल चेंजेस हुए हैं जिसके कारण से आपका सिस्टम और फास्ट चलने वाला है, एक्यूरेट चलने वाला है। ठीक, देखते रहिए आगे आगे और अपडेट आएंगे इसमें। आज के लिए इतना ही, दोबारा इवनिंग में फिर से हो सके तो कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा।